मैनी पीपल कीप वंडरिंग वेदर दे शुड टेक अप लॉ एज अ करियर और नॉट। तो अगर आप भी इस डायलमा में हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। पहली बात, लॉ करने से आपके पास जो वैरायटी है ऑफ द ऑप्शंस दैट इंक्रीजेस, बिकॉज होराइजन बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं लॉ करने के बाद। देन सेकेंडली, आपको एक जनरल अवेयरनेस आती है एज अ सिटीजन ऑफ व्हाट द लॉ इज़। आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है आफ्टर नोइंग व्हाट द लॉ इज़ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन, अगर कल को कोई डिफिकल्टी आती है सो यू कैन इंटरप्रेट द लॉ एंड यू नो द लॉ। देन द अदर पार्ट इज सैलरी, लोगों के लिए एक पॉइंट होता है, तो सैलरी यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकती है, स्काई इज द लिमिट। इट माइट स्टार्ट विद एज लो एज 10,000, बट डोंट गेट डिस्करेज, हार्डवर्क करेंगे तो सैलरी भी उतनी बढ़ सकती है। And also, if you are someone who's passionate about changing the society, then this field is for you.